पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई अच्छी हो रही है। पढ़ाई अच्छी हो रही है, हंस रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। यहाँ ग्रीनरी बहुत है, जहाँ से मैं आ रही हूँ भोपाल, तो वहाँ क्या बिल्डिंग्स रहती है, तो यहाँ ज्यादा ग्रीनरी देख के क्या घूमने का ही मन करता है, तो बस। तो मतलब भोपाल से आप खाली यहाँ ग्रीनरी देखने आई है? शुभम जी कहाँ से? नेपाल से। ओह माय गॉड, फ्रॉम इंटरनेशनल कंट्री, फॉरेन कंट्री स्टूडेंट, कम हियर। हम भी अच्छा, हम बनारस के ही है। अच्छा, बनारस के ही है। बी एच यू घूमे थे? पूरा पूरा घुमा हुआ है। पूछूंगा बता देंगे, अब ऐसे पूछेंगे तो दिक्कत होगा। मधुबन पार्क किधर है? इस साइड। अच्छा, ये देखिए मधुबन पार्क, पता है? ओह माय गॉड। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मैं बी एच यू कैंपस में खड़ा हूँ, और अभी मैं हूँ विश्वविद्यालय के बीटी पर। बीटी बहुत ही फेमस स्थान है, यहाँ पर आपको जितनी भी फैकल्टी के बच्चे होते हैं सभी लोग यहीं पर आकर इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं आप अपना खाते रहिएगा। फिलहाल देखिए हमारे साथ जो है कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे जुड़े हैं, और इनके साथ अभी तक मेरा एक भी वीडियो लगभग नहीं बना हुआ था, तो बीटी पे मिल गया तो मैं सोचा इनसे भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए, बातें कर लिया जाए, और कुछ कॉमर्स फैकल्टी के बारे में, मतलब जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, उनके बारे में भी आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या नाम पड़ेगा आप लोग का? खुशी राज। खुशी जी किस फैकल्टी से? कॉमर्स। देखिए मैं बता देता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ ताकि आप लोग हंसी आए, ठीक है? तो कैंपस कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आप ये बताइए किस ईयर के हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर। कैसा लग रहा है बीएचयू कैंपस आप लोगों को? बीएचयू कैंपस काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार है, यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक का 6 महीने का काफ़ी अच्छा रहा। पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई अच्छी हो रही है। पढ़ाई अच्छी हो रही है, हंस रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। मुंह से नहीं बोलना है लेकिन आपको समझना, पीछे हो सकते हैं कैमरामैन आप, ताकि सभी लोग आए फ्रेम में, ठीक है? हाँ, आप क्या नाम पड़ेगा? स्नेहा पटेल। कॉमर्स। हाँ कॉमर्स। हाँ, कैसा आपको कैसा लग रहा है बीएचयू कैंपस? मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ ग्रीनरी बहुत है, जहाँ से मैं आ रही हूँ भोपाल, तो वहाँ क्या बिल्डिंग्स रहती है, तो यहाँ ज़्यादा ग्रीनरी देख के क्या घूमने का ही मन करता है, तो बस। मतलब भोपाल से आप खाली यहाँ ग्रीनरी देखने आई है? नहीं, ग्रीनरी नहीं, पढ़ाई भी करने आए, पर क्या कैंपस का एक एडिशनल बेनिफिट हो गया ना कि यहाँ घूम सकते हैं, सेफ है, सिक्योर्ड है, पर हम पढ़ाई के बाद भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, कुछ टेंशन नहीं है, मतलब कोई मेन रोड नहीं है, तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट है। पढ़ाई तो है ही, खैर वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। पढ़ाई को क्या देना चाहेंगे? पढ़ाई कैसा हो रहा है? पढ़ाई अच्छा हो रहा है, बस ये कि असाइनमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो उसमें एंगेज रहते हैं, फ्री नहीं बैठ पाते बच्चे। असाइनमेंट काफी ज्यादा मिलता है? बहुत ज्यादा, बहुत, वो भी एंड टाइम पे, और डेडलाइन आ जाती है, एक दिन पहले प्रोफेसर आता है और एंड टाइम पे वो बोलता है कि कल असाइनमेंट सबमिट करना है। ये बहुत प्रॉब्लम है ये। देखिए सर, आप लोग हम लोग को असाइनमेंट देते, ये चाचा आइसक्रीम तनी हने से ले जा, देखा चाचा भी यही में आइसक्रीम घुसा होता हुआ, लड़का खड़ा होता नहीं, आइसक्रीम दे देता तारो प्रचार हो जाए, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम पड़ेगा? स्नेहा। स्नेहा जी कहाँ से हैं आप? झारखंड से। झारखंड से। झारखंड से बनारस आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नया, पहली बार इतनी दूर आए हैं, और यहाँ बनारस का घाट, मंदिर, सारा कैंपस बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ घूम ली होंगी आप बनारस में? लगभग सारा घाट गए हैं, ज्यादा जगह नहीं गए हैं, काशी मंदिर गए हैं, और यहाँ बीएचयू के अंदर बहुत जगह घूमे। माय गॉड, पार्क वार्क नहीं घूमी आप? ज्यादा नहीं घूमे। बीएचयू कैंपस में कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किए हैं? बीटी आए हैं, ज्यादा तो नहीं, और जगह तो याद नहीं। हाँ, आईआईटी साइड गए हैं, रास्ता बहुत टहले हम लोग। अच्छा। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? शुभम झा। शुभम झा कहाँ से? नेपाल से। ओह माय गॉड, फ्रॉम इंटरनेशनल कंट्री, फॉरेन कंट्री स्टूडेंट, कम ईयर। कैसा लग रहा है आपको भारत देश में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो विदेश में जाएं, तो वो विदेश घूमने के लिए उनका सबसे बड़ा जो कोरिया, हम लोग नेपाल कहते हैं, मतलब विदेश है हमारे लिए, ठीक है, सस्ता टिकाऊ, तो उस विदेश के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों के बारे में, कैसे जा सकते हैं हम विदेश? नॉर्मल बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, जैसे जाना चाहे, बाइक से भी जा सकते हैं, आपकी इच्छा। वीजा फ्री? हाँ, वीजा फ्री। ओह माय गॉड, यू कैन सी, वीजा फ्री कंट्री, कुछ नहीं लगेगा। कितना खर्चा लग जाएगा विदेश घूमने में? विदेश घूमने में अब डिपेंड करता है प्लेसेस के अनुसार, कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, उस हिसाब से वहाँ पे सस्ते भी हैं और बहुत महंगे भी हैं। आप विदेश से भारत देश में, हमारे देश में आए, कैसा आपको लग रहा है? सच बताएं तो विदेश हमको लगता ही नहीं है कि अपना ही घर लगता ही है अभी। एक स्टेप में इधर, एक स्टेप में उधर, बस यही है। और आप कैसा चल रहा पढ़ाई आपकी? अच्छी चल रही है, सब ठीक है यहाँ पे। अच्छी हिंदी कैसी है आपकी? आप बॉर्डर साइड ही है घर भी,
चलिए मैं बाकी लोगों से नहीं पूछ सकता, आपसे पूछ सकता हूँ। फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है उसका सबसे बड़ा सपना होता है यूपीएससी। कोई अच्छा ऐसा यूपीएससी की तैयारी करना था आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कॉमर्स वाले को नहीं करना? कॉमर्स वाले नहीं करते, आर्ट्स वाले ही करते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि बीएचयू में आने के बाद बच्चे रिलेशनशिप पे भी आते हैं? ऑफकोर्स आते हैं, वो तो ढेर सारे आ रहे हैं, पहले से भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। आप अपना अनुभव शेयर करिए। मेरा कुछ नहीं है, मैं सीधा साधा संत आदमी। संत आदमी? संत आदमी? नेपाल वाले इतना संत नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने दो चार टूर नेपाल वालों को देखा हूँ और अकेले तो कभी घूमते ही नहीं है। महीने अब बहुत बहुत हसत हुआ। देखिए ये भाई साहब बहुत खुश है, कैसा लग रहा आपको बीएचयू कैंपस? हम बनारस के ही है। अच्छा बनारस के ही है, बीएचयू घूमे थे? पूरा पूरा घुमा हुआ है। वो दूंगा बता देंगे? अब ऐसे पूछेंगे तो दिक्कत होगा। मधुबन पार्क किधर है? इस साइड। अच्छा ये देखिए मधुबन पार्क पता है? ओ माय गॉड, और कुछ नहीं पता हो लेकिन मधुबन पार्क इनको पता है। अभी पूछ दूंगा। हाँ सबसे पहले उसी के बारे में पता। इंजीनियरिंग फैकल्टी किधर है? ये देखिए ये नहीं पता है, इंजीनियरिंग फैकल्टी नहीं पता पढ़ने वाला, लेकिन मधुबन पता है छात्र को। जियो जियो राजा जियो जियो। अच्छा चलिए कॉमर्स, हाँ आप तो बची गए, आपसे हम पूछे नहीं। आप बताइए आप कहाँ से हैं? हम नेपाल से। फॉरेन कंट्री वाले? हाँ चलिए बताइए, भारत का अनुभव बताइए। बहुत अच्छा अनुभव है। अभी तक अकेले हैं? हाँ अकेले ही है बस। होना चाहते हैं? क्या होना चाहते हैं? अरे आपकी भी गाड़ी आगे बढ़े, कैसे चलेंगे? गाड़ी तो है पर बढ़ नहीं रही है, क्या कर सकते हैं। बढ़ नहीं रही है। चलिए चलिए ये तो हम लोग के मजाक की बातें होगी, अब हम लोग सीरियस टॉपिक पढ़ाई की बातें करेंगे। ठीक है अब हमको सीरियसली बताइए कि पढ़ाई कैसा होता है। हाँ ऐसा भी मत बता दीजिएगा कि डीन साहब देख लें तो कहे ओ माय गॉड बुराई। मतलब पढ़ाई का लेवल कैसा, ठीक ठाक है? पढ़ाई आप पे डिपेंड पड़ता है, देखिए खास में कॉलेज में कुछ पढ़ाई होता नहीं है, आप सेल्फ स्टडी है, और ज़्यादातर बैचलर में सेल्फ स्टडी होता है। कहीं भी चले जाइए आप, डीयू चले जाइए, कहीं चले जाइए, हर जगह सेल्फ स्टडी होगा। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेसर अच्छे हैं, मार्क्स पास दे देते हैं, पास पास होने में दिक्कत नहीं होता। कभी ऐसा जिसे हमारे यहाँ तो चल जाता है कि गुरु जी का ऐसे गोल लगते हैं, गुरु जी पढ़ाए हम थोड़ा सा नंबर वा देख लीजिएगा, तो कुछ आप लोग फैकल्टी में ऐसा होता है? कुछ नहीं होता हमारी फैकल्टी में, बस ऐसे ही मार्क्स पढ़ेंगे सबको एवरेज ही मिलता है। ऐसा कुछ नहीं किसी को बहुत ज़्यादा या किसी को बहुत कम नहीं मिलता है, सबको नॉर्मल एक ही लेवल का मिलता है। एक लेवल का मिलता है। अच्छा ये बताइए आप कि आपका जो फैकल्टी है वहाँ के बच्चों में कैसा इन्वायरमेंट है, मतलब माहौल जो कहते हैं पढ़ाई का माहौल है कि नहीं है, या फिर ये भी बता दीजिएगा कि बीकॉम के बाद आगे क्या किया जा सकता है, क्या स्कोप है? पढ़ाई का मतलब बच्चों का माहौल तो बहुत अच्छा है, क्लास में जब घुसते हैं तो हमें छोड़ के सब बच्चे पढ़ते हैं, मिलते बैठते हैं, हम लोग ही सबसे लेट पहुंचते हैं। और बाकी बीकॉम के बाद तो एमबीए कर सकते हैं, और जो यूपीएससी कर सकता है वो करे, एमबीए का ऑप्शन है, और फाइनेंस में आगे जा सकते हैं अपन। डिग्री है, कोई कुछ भी कर सकता है आगे जाके। कितना घंटा पढ़ के आप लोग तैयारी की थी? घंटा हम लोग एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ के तैयारी कर रहे हैं। तो इतना टॉपर, ये टॉपर लोग का है, हालांकि आप लोग मत सुनिएगा, आप लोग पढ़ाई करिएगा। ये जो टॉपर होते हैं वो कहते हैं मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ, और ऐसे भी लड़कियाँ कभी कहती भी नहीं है, है ना? नहीं कहती, ऐसा बात नहीं, लेकिन हम लोग सच में नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए हम लोग को। ये झूठ है। नहीं कहती है लड़कियाँ, कभी नहीं कहती, इनफैक्ट यही नहीं बोलेगा। हम क्या किया? अच्छा चलिए ये बता, हमारा वीडियो आप लोग देखती थी? हाँ बहुत। हाँ देखा था, यहाँ आने से पहले आप ही का देख के आए, पूरा देखा था कि कैसा बीएचयू है और क्या एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा वीडियो देखते थे लोग, तो आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। पहुंच गया है इंटरनेशनल तक, आप वीडियो पहुंच गया है, लेकिन नेपाल से देख रहे हैं। चलिए पढ़ाई का मतलब ओवरऑल जो है यहाँ बच्चे का, आप लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है ना? 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगी? 9 8 8 8 एंड हाफ 8.5 9.5। तो ये था देखिए ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस, और आशा करता हूँ आप सभी को और अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर, बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूँ नहीं भी लगा होगा तब वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अच्छा अच्छा मिलता रहेगा। और कुछ आप लास्ट में कहना चाहोगे, कुछ आप लोग अपने हिसाब से, या फिर कुछ मन की बातें शेयर करना चाहोगे, कुछ कुछ भी, एनीथिंग यू आर फ्री टू शेयर। सोच रहे हैं क्या पूछ दिए भैया? हाँ जी, बस डीन तक में आ जाना चाहिए बात। डीन तक आपने वैसे कुछ बात बोली ही नहीं है कि डीन सर को जो है ऐसी कोई उनको बुरा लगेगा या ऐसा कुछ लगेगा, क्योंकि अगर बातें खोलना हो ना तो हम लोग खोलते हैं, आप तो इसी पर हम लोग खुलवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? एंड कर दे वीडियो को। हाँ देखिए सीखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, आप पे डिपेंड पड़ता है आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बाकी है तो बहुत कुछ सीखने के लिए, और बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत चीज़ है, बहुत सराउंडिंग है। आप हम नेपाल से आके यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आप पे डिपेंड पड़ता है आप सीख क्या रहे हैं और नहीं भी सीख रहे हैं। तो आप आइएगा, सीखिएगा, तो सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे, सीधी सी बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देख सकते थे अभी हमारे साथ जो है कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे जुड़े हुए थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो और भी चाहते हैं आपकी अन्य फैकल्टी का भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा तो चैनल को पट 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 दबा के घंटी दबा दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा अच्छा वीडियो मिलते रहेगा। हर महादेव।